क्या नाम है? संदीप। और पूरा बताइए कौन जाते हैं? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। हम लोग इस वक्त खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से नरेंद्र मोदी की के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से राजेश वर्मा है जो लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से। और आरजेडी वाली जो महागठबंधन है ये सीट CPIM को मिला है और यहाँ उम्मीदवार हैं संजय कुमार। संजय कुमार राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं और भाई भी अभी विधायक हैं। और इस सीट पर क्या होने वाला है ये तापमान जानने के लिए हम लोग आए थे। ये इलाका है, हमको किसी ने जानकारी दी कि राजेंद्र चौक, तब एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ का नाम है बेंजामिन चौक। ना बेंजामिन चौक नाम कहे पड़ा जी, बताएंगे आप बताएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ बेंजामिन चौक मतलब होता है ये नाम बर्थ। पहले खगड़िया सदर अस्पताल में नर्स थी, उनका मकान बस सामने है, इसलिए बेंजामिन चौक नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पर जो है चौक का नाम बेंजामिन चौक पड़ा है। तब कौन चुनाव जीत रहा है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जीत रहे हैं। पूरा भरोसा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है 10 साल में ना ही बेरोजगारी पर काम किए हैं, अभी महंगाई इतना बढ़ गया है 10 साल में, जो सिलेंडर 400 में मिलता था 1200 पर चला गया, अभी चुनाव के वक्त घट के जो है वो 200-900 रुपये पर आया है, इसलिए महंगाई तो चरम पर चला गया है। अब बेरोजगारी का हाल देख ही रहे हैं, रोजगार का कोई सृजन नहीं, जो पुराना रोजगार है जो नौकरी है वो भी नहीं भरा जा रहा है, वो भी रिक्त पद है। इसलिए जो है मुख्य मुद्दा जो है यहाँ के लिए महंगाई और बेरोजगारी, देश को बचाने के हित में देश जा रहा है कर्ज में, डूब रहा है देश कर्ज में डूब रहा है। मोदी जी सिर्फ गारंटी लेते हैं, कुछ गारंटी पर करते नहीं है। अच्छा तो फिर अगर मोदी जी को आप वोट नहीं दे रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग संजय कुशवाहा को दे रहे हैं। अच्छा मतलब राहुल गांधी के खाते में जाएगा? राहुल गांधी खाते। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी के खाते में जाएगा तो पूरे बिहार में ऐसा होने वाला है कि खाली खगड़िया में आपको लगता है? बिहार होने वाला है। चेहरा पे वोट दे रहे हैं जैसे संजय जी के चेहरा पे दे रहे हैं कि राहुल जी का? आगे देख के दिया जा रहा है, सरकार को बदलना है। तो सरकार को बदलना है, जैसे कई लोग नरेंद्र मोदी मंच पे आते हैं तो बोलते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं, भला कर दिए, ये कर दिए, सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है। सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है, मंदिर मस्जिद से क्या होगा, क्या कुछ होने वाला थोड़ा है। अच्छा रोजगार की बात कुछ नहीं करते, रोजगार बोलते हैं देते नहीं है रोजगार, बेरोजगार बहुत भटक रहा है, पढ़ लिख के बी एड कर करके भूख रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया है। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ विरोध है, तो कौन वोट देगा उनका, उनके राहुल गांधी की टीम को, महागठबंधन के उम्मीदवार संजय जी को कौन कौन वोट देने वाला है? सभी वर्ग से जो है, युवा बुजुर्ग सभी वर्ग से, उनको महिला सभी का वर्ग वोट मिल रहा है राहुल गांधी को, सभी वर्ग का वोट मिल रहा है। अच्छा हम लोग खगड़िया का चुनावी तापमान जानना चाह रहे थे चाचा, नाम क्या हुआ चाचा आपका? राजकिशोर प्रसाद यादव। तो लोगों ने बताया, यहाँ 2-3 लोगों से अभी बात ही हुई थी तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर संजय जी का माहौल बढ़िया है, नरेंद्र मोदी जी की टीम हार रही है, तो ऐसा है क्या? वही है, ये है जो कहा, बिल्कुल सही है। कहा है ऐसा चाचा? आपको नहीं बुझाता है ऐसा कहा है वो? आप विस्तार से बताइए। रामविलास जब तक जिंदा रहा टिकट बेचा और उसका पैदाइश उसका बेटा वही कर्म कर रहा है, 10-20 करोड़ लेके चला गया, उसके पिताजी का जमींदारी नहीं है कि यहाँ भेज दिए जिता के भेजो, वो भी एगो रहे आदमी ढंग का, तब एगो बात है, लोंडा छोंडा से रुपा तहसील करके उसको भेज दिया, उसको हम लोग जिता, हमारा खगड़िया का आदमी है, दल कोनो रहे जात कोनो रहे हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि राजेश वर्मा बाहरी है इसी कारण से मामला खराब? बाहरी दे है, बाहरी के साथ साथ उससे टैक्स वसूल करके टिकट देता है, उसके बापे वाला आदत है,
अच्छा, रामविलास, आप रामविलास जी पे भी यही आरोप लगा रहे हैं? रामविलास मरते दिन तक टिकट बेचते रहा, उसका बेटा भी वही धंधा शुरू किया, तो जिससे पैसा वसूल के टिकट दे, हम लोग उसको जीता जीता के भेजते रहे। क्या गलत कहते हैं? यही जनतंत्र है। 9 बार जो आदमी मंत्री रहा, एमपी रहा, 4 बार विधायक रहा, उसका बैकलॉग पूरा नहीं हुआ, वो मरते दिन तक टिकट बेचते रहा, तो उसको कोई हक है नेता बनने का? आ मोदी आओ जबरदस्ती उसको घेर के रखता है, टिकट देता है, जाति समीकरण भर जाता है। तो अच्छा, ये रामविलास जी की बात कर रहे थे, तो चिराग जी तो अब उत्तराधिकारी एक तरह से हो गए हैं, तो इनका पारिवारिक क्या? कहाँ घर है? हमारा तो बेगूसराय है। बेगूसराय, क्या नाम है? संदीप। और पूरा बताइए, कौन जाते हैं? ये बात हम लोग कैमरे पे नहीं करते, और कैसे भी नहीं करते ऑफ कैमरा। हम जो बता दिए सो, हम जो बताए वो आपकी मर्जी है, मतलब अगर हम इसको निजी रखना चाहते हैं तो ऐसे आप चलिए, इससे भी हमको कोई परहेज नहीं है संदीप कुमार सिन्हा। परहेज नहीं है तो आपका मानसिकता अलग होगा, हमारा मानसिकता अलग होगा। टैली नहीं करेगा, इसलिए झूठे समय देने से क्या फायदा? नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए, हमारे देखिए मुझे स्वर्ग जाएंगे, आपसे बात रख करके हम कहाँ चल जाएंगे? रोज ऐसा बात होता है। अंकल जी जात देकर वो देते हैं वोट, यादव है तो यादव को वोट दीजिएगा, वही ना? यहाँ वही है, हम भी रजनीश यादव है, हम उसको नहीं वोट देंगे। अब की बार 500 पार, 500 पार किसको करा रहे हो? 500 पार ये जेपी को, 400 पार, 500 लाएंगे पूरे पूर्व बहुमत। नहीं, आप क्या बोले, क्या ये है ये आप बोले ये जी? जिस आदमी को मोदी पसंद है उसको कितनो समझाइएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधभक्त, हम लोग मोदी का सपोर्ट अंधभक्त है, और रश्मिया और एनडीए उसका सपोर्ट नहीं है, इसलिए हमारा बात इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनके साथ टाइम बिताने से क्या? हम तो सबकी बात बोले चाचा, हम सबकी बात सुनेंगे। क्या बात करते हैं, हमारा बेटू उम्र से कम है आपका उम्र, हम बिल्कुल मानते हैं। आप राजेश वर्मा को बोले कि वो अच्छा आदमी नहीं है, समझे? और जो ये चारा घोटाला किया, ये आपको अच्छा आदमी लग रहा है? ये अच्छा घोटाला लग रहा है? जबरदस्ती नहीं, इसका हीरा का कारोबार है ये। जो जगह पर वो है ना, घोटाला है, खगड़िया का दुर्भाग है, जो भी नेता बना है सब वैसा ही है, खगड़िया का विकास नहीं किया, समझे ना? जैसे कि खगड़िया का दुर्भाग्य है, जो भी नेता यहाँ बना है वो खगड़िया का जो है ना विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो जगह पर जब जाता है वो नेता सब जो है ना घोटोले ही घोटोले, सब घोटोले बात है, समझे? घोटोले बात है। आप करते क्या है? क्या करते हैं? क्या हम इसी चौक पर फल फ्रूट बेचते हैं, इसी जगह पर हम लोग फल फ्रूट बेचते हैं। अच्छा, फल फ्रूट बेचते हैं तो कोई आता होगा, ग्राहक शिकायत करता है कि बहुत महंगा हो गया, सस्ता नहीं है? क्यों फल मार्केट सब ग्राहक सब किस्म बोलता है, कोई कहता है बहुत महंगा है, कोई कहता है बहुत खराब सामान है, तो ग्राहक पर क्या देना? अरे एक मिनट, अरे पूछ रहे थे, ये वाला काम हम कर लेंगे, काम कर लेंगे, ये हम काम कर लेंगे, ठीक ठीक। थोड़ा उसके पीठ पे जगह देना, शूट नहीं कर पाए बिल बोले बात, तुम लोग आधा घंटा 40 मिनट बात करेंगे। हड़बड़ाना ने ये बोले कि सब घोटाला है, वहाँ जाएगा तो घोटाले करेगा, ऐसा है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा कहे मतलब कौन सा कैंडिडेट लगता है कि नहीं ऊपर जाता है, कोई गलत काम नहीं करता है? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा तो कभी विधायक भी नहीं बने हैं, मगर इस बार रहेंगे जाएंगे तो काम करेंगे, खगड़िया का विकास करेंगे, जो भी कुछ है, शिक्षा हो गया, कॉलेज हो गया, जो भी कुछ है सब चीज बढ़िया करेंगे, बढ़िया करेंगे। यहाँ का खगड़िया में दिक्कत क्या क्या है? बहुत दिक्कत है, शिक्षा का है, कॉलेज का है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितना भी है सब बहुत चीज का दिक्कत है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो सरकारी मिल गया, नीतीश सरकार बनवा दिए, कहाँ मिल गया है, सब ऐसे बोख रहा है, कहाँ मिल गया है सरकारी कॉलेज आपके जिले में? है उद्घाटन बना नहीं ना अभी? नहीं नहीं है, वो चल रहा है, लोगों युवा यहाँ पढ़ा लिखा युवा रोजगार खोज रहा है ना, 10 साल से रोजगार कहाँ मिल रही है यहाँ पे? काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे 2 लाख हर साल, कहाँ कुछ तो नहीं मिल रहा है।
लोग यहाँ त्राहिमाम है, महंगाई सर पे है, गैस बढ़ा हुआ है, दाल बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है महंगा। तो लोग को, आम आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको तो खाने पर दिक्कत है। और मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास कर, देश का क्या विकास कर, देश का खजाना इतना खाली है कि देश जो मतलब मुझे कुछ दिन में बनकी हो जाएगा ये देश को। इसलिए यहाँ खगड़िया की जनता, जानकारी आपको कौन दिया देश ऐसा हो जाएगा? नहीं, देश क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, लोगों के भाव को देखते हैं, सब जगह का न्यूज है, तो लोग में आक्रोश है। लोग वो पहले वाला 2019 में जो 14 में जो मोदी जी का लहर आया था, वो लहर खत्म, वो कहानी खत्म है। और खगड़िया की जनता, आम आवाम जनता कहीं भी पूछ लीजिएगा, लोग यहाँ संजय कुशवाहा के नाम पे निस्वार्थ हमने वोट दे रहा है, कोई कहीं कुछ नहीं है मोदी। संजय, चलिए, संजय कुशवाहा तो स्थानीय उम्मीदवार है, ठीक है, पर चेहरा तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ लालू जी का होगा, राहुल जी का होगा, तो राहुल जी के काम से कैसे, मतलब उनका काम क्या, बताइए। नहीं, राहुल जी अभी तो सांसद थे, पीएम तो नहीं थे, ठीक है, अभी तो वो विपक्ष में है, अभी तक वो सत्ता में है नहीं। पीएम तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी को बताना है कि हम क्या किए हैं, तो राहुल जी क्या बताएंगे हम क्या किए हैं? तो मंच पे तो बताते हैं, राहुल जी नहीं बताएंगे, राहुल जी तो पीएम नहीं है, न सीएम है, अरे आम आवाम है वो। अब जब पीएम रहेगा प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी ने बताएगा हम क्या किए हैं, हम रोजगार दिए कि नहीं दिए। अब राहुल गांधी से पूछते हैं आप, राहुल गांधी तो हमारा नेता, हम लोग नेता बना रहे हैं इस बार, हम लोग राहुल गांधी के आगे नेतृत्व में हम लोग देश को जो है, देश का राजपाट उनके पुन पर छोड़ रहे हैं। अभी जो ऐलान जो करते हैं राहुल गांधी जो ऐलान करते हैं, उनका कौन सा योजना लगता है कि बढ़िया है, काम करेगा? देखिए, हम ये बता, राहुल गांधी का कोई योजना अभी नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं कि देश का किसान और देश का जवान अगर खुश रहेगा, मजबूत रहेगा, तो रोजगार अपने आप लोगों के पास आएगा। ना जवान खुश है, ना किसान खुश है देश का। अगर हम देश का जवान किसान खुश रहेगा, तब तो आम आवाम लोग भी खुश रहेगा ना, आम आवाम व्यापारी भी तो खुश रहेगा। मान लीजिए यहाँ तो ना किसान खुश है, ना जवान खुश है, जवान भी खुश रहेगा, किसान भी, तब ना देश मजबूत रहेगा। मोदी जी बोलते हैं हमने ये क्या किए, वो मोदी जी क्या किए, हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर से आते हैं, हाई प्रोफाइल कपड़ा पहनते हैं और लोग को बुर्बक बना के चले जाते हैं। काला धन, अगर काला धन था जो बात बोले, काला धन लाएंगे, काला धन आता रहता तो अभी तक मिलता, कहाँ काला धन है? अडानी अबानी को मजबूत कर रहे हैं आम आवाम लोग जो जैसे के तैसे है। अडानी अंबानी की बात है यहाँ। अच्छा, पर वो मन से बोलते हैं कि हम मकान बांटे हैं, हम शौचालय दिए हैं, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को देश में, तो ये काम वो गिना रहे हैं। तो ये बताइए सर, अनाज क्या मोदी जी दे रहे हैं? वो तो कांग्रेस के जमाने, वो ये सिस्टम तो कांग्रेस समय से चल रहा है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय से चल रहा था। और इंदिरा आवास जो है, जब कांग्रेस सरकार थी तब घर का मकान का पैसा मिलता था, ऐसा नहीं, सब कुछ चीनी राशन सब कुछ मिलता था। इसीलिए लोग को बेवकूफ बनाना मोदी जी छोड़ दे, अब लोग जग गया है, लोग जागरूक हो चुकी है, लोग ने मौका दिया मोदी जी को एक बार, आम सब लोग दिया, दस साल दिया मौका, इसलिए अब जो है मोदी लहर खत्म, अब जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी बिहार में। मेन बात क्या है, मेन जो है, सबसे पहली चीज जनता को क्या चाहिए, 5 किलो अनाज से उसका समस्या हल हो जाएगा? जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार मुद्दे पे बोले, लोगों को जो है नौकरी दे, जिस पर उस पर बोले, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुआ, क्या सर 2 करोड़ नौकरी दे दिया, 15 लाख रुपया जो है खाता में दे दिया। अरे योग्यता 101 योग्यता वाले हैं हमारे बिहार में, लेकिन योग्यता वाले को नौकरी कहाँ है? अग्निवीर को जो है झोंक दिया है ना? अरे बोल रहे तुम भी बोल रहे हो, 85 का ऑनर से अभी तक नहीं मिला ना। एक मिनट, ये नहीं, वो तुम लोगों ने बोला, अब ये बोलना चाहता बोले, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। अच्छा, इस दौरान दो भाई साहब थे, एक मिनट, भाई
इस पे रिकॉर्ड एक मिनट। अच्छा तुम यहाँ पर लोग, तुम जब वो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तो इस दौरान तुम पीछे से विरोध कर रहे थे, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? रजनीश यादव। रजनीश यादव, तो तुम मोदी जी के समर्थन में? हाँ, समर्थन में है। अच्छा काम किए हैं? अच्छा जी, अच्छा काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? बहुत सारा काम किए हैं, आप देख लीजिए। इसमें जो इसमें लड़का योग नहीं था उसको कौशल विकास की योजना, इसमें हम लोग का स्किल दे रहे हैं। और अगर हम लोग, अरे भाई सुनिए ना, कौशल विकास के सभी योजना से हम लोग को स्किल दे रहे हैं। अगर उसमें और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमको दे रहे हैं मुद्रा लोन का सेवा हम भी लिए हैं। आज 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 हम अपना समय वो खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं, नहीं पढ़ पाए। तीन भाई हैं, हम नहीं पढ़ पाए। एक भाई पढ़े तो उनको उसमें हुआ जॉब हुआ। सरकार तो समय वो सबको देंगे नहीं जॉब। हमारे पास कोई स्किल भी नहीं है, इसमें हम मांग रहे हैं जॉब, मांग रहे हैं। भैया से पूछिए अपने बेटा को, हम कितना पढ़ाए, स्किल है क्या है, उसके बाद बोलिए। सरकार निकाल रहे हैं लालू यादव के समय, ऐसा नहीं उतना समय सरकारी टीचर बांट दीजिए किसी को। हमको बिहार के बारे में पता नहीं है, हमारे देश का राष्ट्रपति उससे पूछा गया, वो पता नहीं है, लेकिन टीचर का नौकरी बांट दिए हैं। जिसके पास स्किल रहेगा वो लेगा ही जॉब, जिसके पास नहीं है तो आप अपना वो कोई बिजनेस। अच्छा एक बात, ये ठीक बात है तुम्हारी की स्किल रहेगा जॉब मिलेगा, उसके बावजूद जब हर जगह जाते हैं हर सड़क पे यही बात क्यों सुनने को मिलती है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। हमारे देश का वो, हमारे देश का इतना तेजी से जो उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, बस उसका ही है। जनसंख्या कितना वृद्धि हो रहा है, और उसके बाद हम वो जनगणना होने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष वाले कांग्रेस वाले कोई जनगणना होने नहीं दे रहे हैं। अभी हम 140 करोड़ रोजगार पार कर गए हैं, 1 लाख नौकरी में जब 1 लाख सीट निकलता है, हम इसमें 2 करोड़ बच्चा फॉर्म भरते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, और जो बोलते हैं संविधान कानून। टीवी डिबेट बनाओगे, कैमरा ऑफ करेंगे, चले जाएंगे, बुला लेना टीवी वाले को, बढ़िया से बात करते हैं सबने पर। नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? मोहम्मद आदिल। हाँ मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल जी, क्या करते हो आदिल भाई? मोबाइल का काम कर रहा है। मोबाइल का वो बनाने वाला काम? क्या मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं? हाँ रिपेयरिंग वाला काम ना, तो इसके लिए वो आईटीआई वाला डिग्री लिए हो क्या? नहीं सिर्फ दुकान पे जाके सीखे हुई है। आईटीआई उतना तो उस हिसाब से पैसा नहीं है जो हम कॉलेज में जाके एडमिशन करवा सके। तो वो साथ में एकदम काम सीखते गए, कारीगरी करते करे और पूरा सीख लिए। कहाँ पे? यहीं पे दुकान है आसपास पे? हाँ बगल में है, न्यू महावीर दुकान है, उसी के अंदर में भी रहते हैं। काम आता है खूब वहाँ? नहीं अभी तो मंदा के सीजन बहुत ही। मोबाइल का कौन सी सीजन से लेना देना? सीजन होता है ना, हर सब चीज का सीजन होता है। अभी देखिए बैठे हुए रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा जी, मोबाइल का सीजन से कोई लेना देना? आ रहे तो 12 मास का सामान है, ऐसा बात बोल रहे? अगर ऐसा तो आप ही आके बैठिए, कल दिन भर आके बैठिए, देख लेते कितना होता है दुकान से खर्चा। अच्छा दुकान से खर्चा, तो दुकान तुम्हारी है या किसी की दुकान? किसी में काम कर रहे हैं, किसी काम कर रहे जी। तो कैसे वो महीने पे रखे हुए हैं कैसे? हाँ और इसके अलावा पढ़ाई करने का कभी मौका नहीं मिला क्या? पढ़ाई करने का मौका तो मिल रहा है, जब हम इंटर पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिखा है। बेगूसराय सब जा रहा है, बेगूसराय इसलिए जा रहा है क्योंकि कोसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो कोसी कॉलेज के अंदर कोई टीचर को ठीक नहीं है, बहुत कम टीचर है, जितना टीचर होना चाहिए उतना टीचर नहीं है। अब खगड़िया के जितना भी लोग हैं सब यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बगल में बेगूसराय तो बेगूसराय जाना पड़ रहा हमको पढ़ने के लिए। तो आईटीआई कॉलेज बनाने से कुछ होता नहीं है। नीचे आईटीआई कॉलेज खुला है जिला में? खुला तो है, पहले बात सुन लीजिए। आरटीआई के पहली बात तो आरटीआई जाने क्या जरूरत है, मेरा यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो न रहा है, या उससे पहले जो स्तर का नीचे स्तर का मेरा पढ़ाई मजबूत हो न रहा, तो आरटीआई जाके हम जाके उठाएंगे? तो पहले बात तो कोसी कॉलेज में यहाँ खगड़िया में दो ही कॉलेज है, महिला कॉलेज कोसी कॉलेज, तो महिला का हमको मतलब है ही ना, वहाँ एडमिशन होगा ना। कोसी कॉलेज बचा हुआ, कोसी कॉलेज में कोई भी उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण हमें 1 साल बैठ गए। पर उसके बावजूद तुम कुछ कर पा रहे हो? अभी तो कुछ फिलहाल कर नहीं रहे, अभी किसी अंडर में काम कर रहे हैं और पढ़ा भी 1 साल। आगे क्या सोचे हो, यही काम करोगे आगे? नहीं आगे तो जॉब लेना ही है, डिफेंस लाइन में। डिफेंस आने के तो बहुत, डिफेंस लाइन में मतलब आर्मी में जाने का बहुत। अच्छा, डिफेंस में जाने का शौक है, मगर जब। उम्र क्या है तुम्हारी दोस्त? 19 साल हो गया, बता लीजिए कि उस हिसाब से तो 2-3 साल ही बचा हुआ मेरा। पहला बार वोट डाल दी हो कि पहली बार डालोगे? वोट पहली बार ही देना पड़ेगा। पहली बार देना? वोटर आई कार्ड बन गया? जी जी। तो तैयारी कहाँ है, कहाँ दे रहे हो वोट? कुशवाहा। मतलब
संजय कुमार कुशवाहा को दे रहे हो, यानी इंडिया गठबंधन के साथ दे रहे हो। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं कि तेजस्वी? राहुल गांधी तेजस्वी भी अच्छे लगते हैं, मगर राहुल गांधी बहुत ज्यादा उससे सीनियर है, पढ़े लिखे हुए है, उससे अच्छे नॉलेज है, तो वो देश अच्छा चला सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी देश अच्छा चला, और तेजस्वी नहीं चला सकते हैं क्या? चला सकते हैं, मगर वो मुख्यमंत्री के दावेदार में ना है, तो उसको तो तेजस्वी इतना बढ़िया बोल रहा है, तुम लोग का बात सुन रहे हो ना, तुम्हारे पास भी आएंगे। वो यहाँ चलाएंगे बिहार, और राहुल देश चलाएंगे। जैसे मोदी जी का है कि मोदी जी देश चला रहे हैं और नीतीश जी प्रदेश चला रहे हैं। प्रदेश तो देख ही रहे ना, बच्चे से तो देख ही रहे किस हिसाब से चल रहा है। आज 17 महीना में तो हम देख लिए किस हिसाब से चल रहा है। 17 महीना में देख लिए कितना हिसाब से चल गया है, बहुत ज्यादा उन्नति हुआ। अब पलटू चाचा तो पलट गए, वो बात की बात है। ऐसा ना कि नीतीश काम नहीं कर रहे थे, मगर जिस पार्टी से संबंध में गए। अच्छा, तुम कह रहे हो नीतीश जी तब तुम्हारे साथ रहते हैं, मतलब जब तेजस्वी जी के साथ रहते हैं तब काम करते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं तो नहीं करते हैं जी? जब उसका गठबंधन ऐसा काहे हो जाता है, अब उसका नियत जाने। चल भाई साहब, तुम आप बात करना चाह रहे थे, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शहजाद कासमी है। शहजाद कासमी, हाँ शहजाद भाई बताइए। सर, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लोकल चीज होने चाहिए। हमारा मुद्दा सर लोकल, हम लोग सांसद का, हमको अपने लोकल सांसद से। इसमें एक शिकायत है, आप लोग बोलते हैं कि लोकल सांसद मुद्दा होना चाहिए, पर वोट तो सेंटर के चेहरा पे दे देते हैं। नहीं सर, सेंटर देखिए जो भी चीज है सर, आज युवा इतना सर सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो युवा है सर। अभी आपने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है सर, सब ने अपनी मजबूरी बतलाया, मैं फला पढ़ा कर जा, लेकिन कुछ मुझे मिला नहीं। सर मैं एक चीज़ आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, कि 70 साल सर हमारे देश का आज़ाद हो चुका है। अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, सर इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? सर इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? पर आप इसको हम दूसरा तरीके से देखते हैं कि ठीक है, हम एक बात मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, अगर उनकी मदद सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? सर आप तो ये सर कांग्रेस को सर इसलिए हटाया गया था, वो पूरा देश को लूट रहा था सर, ये उनका अपना ये था। जब आपको अच्छा करने के लिए लाया सर, आप तो उससे भी बुरा कर हाल कर दिया आपने। ये अगर चीज अगर ये चीज होता सर, तो आज 10 साल में सर आप देखिए, बोलते हैं GDP के बारे में सर, आज देख लीजिए हमारे देश के अंदर जो GDP है वो -10 डिग्री में है सर। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी मत बोलो। नहीं सर, कहाँ पढ़ लिए? वो मेरे से मिस्टेक हुआ सर, वो सर वो हम ये बोल रहे सर आपसे कि आज सबसे बड़ा मुद्दा सर युवा के लिए, हमारे यहाँ के BJP गठबंधन सर 10 साल हमारे सांसद रहे, एक भी काम नहीं हुआ है सर। अच्छा, महबूब अली कैसर जी की बात कर रहे हैं? कैसर साहब ने एक भी सर काम नहीं हुआ। बात बताओ, काशिद भाई, काशिद बताया था ना हमारा, काशिद भाई, काशिद भाई ये माना जाता है, एक अवधारणा है बिहार में कि आदमी जात पे या फिर धर्म पे वोट करता है, तो कैसर साहब को सिर्फ JDU और ILJP और NDA का वोट मिला था या BJP का वोट मिला था, या यहाँ के मुसलमान भाइयों ने भी उनको वोट किया था? सर आपको जो वोट मिला था वो विकास के नाम पे मिला था। आप नहीं, मेरा सवाल नहीं, वो नहीं था, जाति बात नहीं है सर। आपको सर जो वोट किया गया था सर, कोई भी पार्टी का कोई नेता किसी जात का नहीं होता है सर। देश का प्रधानमंत्री वो देश का होता है, वो किसी जात किसी पार्टी का नहीं होता है सर। जब आप बन गए सांसद, आप सबके लिए सांसद हैं, तो आपके लिए सबको काम करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है सर कोई परसेंटेज वोट का कम रहा होगा या ज्यादा रहा हो, वोट तो सर आपको सबने किया है। सबने किया। अच्छा, तो काम नहीं किया क्या महबूब अली का? काम तो नहीं है सर। हा? नहीं, इसलिए सर देखिए वो भी भाग लिए। पर भाग लिए तो फिर आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हो वहीं पहुंच गए? किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे सर। अच्छा। हम ये कह रहे हैं जो हमारे देश का जो हालात है सर, वो सही होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो सर। एक बात, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। आयुष कुमार, क्या करते हो? बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कहाँ से? RKDF कॉलेज भोपाल। भोपाल से कर रहे हो, तो अभी छुट्टियों में आए हो? हाँ, छुट्टी। गर्मी छुट्टियाँ हो गई क्या? नहीं सर, एग्जाम चल रही थी, उसी का एग्जाम का छुट्टी। अच्छा, एग्जाम की छुट्टी। एग्जाम के कब, पेपर कब होने वाले? पेपर अगले महीना होने वाली। कैसा प्लेसमेंट है भोपाल में? अच्छा खासा है, और अभी प्लेसमेंट नहीं दिया जा रहा है स्टूडेंट को सर। और मेन मुद्दा यहाँ की क्षेत्रीय, तुमसे एक भोपाल के बारे में पूछो, तुमको मुद्दा पे आएंगे
तुमसे एक बात पूछते हैं, ये पर्सनली निजी मुद्दे, यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ रोड जो है रोड इतना जाम लगा रहता है कभी आज तक तो, पर ये रोड वाला मामला तो विधानसभा चुनाव में उठेगा ना, लोकसभा में तो शहर के अंदर की सड़क। मैं बात आपकी समझ गया, बात सब लालू जी बोलते थे कि हमें स्मार्ट शहर नहीं, अभी आप खगड़िया के टॉप मोस्ट शहर मतलब टॉप जगह पर हैं, आप हमको स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, और इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार है, जय राजद, जय राहुल गांधी, जय कांग्रेस। बस इतना ही बोलोगे? ठीक है, अच्छा ऐसा, अच्छा अच्छा कहाँ गए? आइए इधर आइए भाई साहब, आइए, नाम क्या है आपका? एक 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 मिनट, अरे चाचा जी हमारा नाम बुला के पुकारे, क्या नाम है सर? हमारा नाम गुलजारी लाल नंदा है, मैं 1989 में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी का विज्ञापन निकला था और लालू जी ने 2 किता जमीन लेकर के रामेश्वर सिंह यादव को चेयरमैन बनाया, जिसके कारण मैं आज तक आरक्षण का लाभ पाने के लिए दर दर का ठोकर खा रहा हूँ, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। एक मिनट, समझे नहीं कि आप आरक्षण का मतलब, आप आरक्षण आपको नहीं मिला या आप आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, खा गया सरकार, वही जमीन घोटाला में उसको जो है सो रामेश्वर सिंह यादव बचा गया आरक्षण को। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ हाँ, हमने हर जगह शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कोर्ट कचहरी गए? हाँ, कोर्ट में गए तो कहा कि रिकॉर्ड ट्रेसेबल अवेलेबल नहीं है, जब मैं सूचना का अधिकार रिकॉर्ड उपलब्ध किया तो अब सबका घिघी बन गया। कोर्ट गए थे तो वहाँ से भी वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला? कोर्ट में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया कि जो है कि रिकॉर्ड ट्रेसेबल अवेलेबल नहीं है, जब मैंने सूचना का अधिकार से बहुत जद्दोजहद के बाद जब हमने रिजल्ट प्राप्त किया तब सबका घिघी बंद हो गया, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा, सब बस टार मटोर करते जा रहा है, यही। चलिए आपकी बात पर, कहाँ थे दोस्त? अच्छा, अरे वो दोस्त कहाँ चला गया जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो चला गया क्या लगता है? तुम, हाँ तुम बात कर रहे थे, कुछ दोस्तों ने बोला कि यार काम नहीं हो रहा है और कोई मोदी जी में वो बात नहीं है जो 5-10 साल में थी पहले, अब वो काम नहीं हो रहा है क्या ऐसा? सर एक सेकंड से एक बात बोलेंगे, थोड़ा सा हमको कहीं जाना था, समय रहता तो 2014 से लेकर के अभी तक के एक एक दिन का हिसाब हम आपको दे देते मोदी। एक एक दिन का हिसाब? एक एक दिन का। दूसरी बात सर, क्या मतलब कैसे हिसाब मेंटेन किए हो क्या, कैसे? जी सर, हम नोटिस करते आए हैं। नोटिस करते आए हैं। दूसरी बात सर, हम ये कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया है और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, ये दो बातें स्पष्ट हैं, ठीक है। तीसरी बात सर, रही बात वो बोल रहे थे कि जाम लगता है, जाम लगने की वजह से क्या आप प्रधानमंत्री को पद से हटा दीजिएगा? नहीं, वो तो देखो लोगों को अपनी बातें रखने का तो हक है ना। हाँ बिल्कुल हक है, हम किसी के हक को छीन नहीं रहे या फिर किसी के हक पे ऊपर उंगली नहीं उठा रहे सर, हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान का राजधानी दिल्ली है, वहाँ भी जाम लगता है, तो छोटे छोटी बातों को लेकर के जो है ना आप बड़े लोगों को टारगेट मत कीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में देखना अच्छा, चाहते तुम कह रहे हो कि छोटी छोटी बातों के लिए पीएम जैसे बड़े लोगों को टारगेट नहीं करना? हाँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। और तुम गिना रहे, तुम 2 मिनट टाइम लिए, तुम्हारे पास टाइम है, तुम बोले तुम एक एक दिन का पूरा ब्यौरा रखे हो मोदी जी क्या क्या किए हैं, तो कुछ ब्यौरा छोटा सा ही दे दो। हाँ, मतलब साल भर का ही दे देते सर। सबसे पहले उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए सुकन्या योजना लागू किया, ठीक है। कौन सा क्या? सुकन्या योजना लागू किया। अच्छा। और युवा को डेवलप करने के लिए रोजगार किसी भी कंपनी में, किसी पॉइंट इम्पोर्टेंट बात बोल रहे सर, कोई भी कंपनी आपको रोजगार क्यों देगा? वो तभी देगा जब आपके अंदर उसके जरूरत के अनुसार स्किल्स होगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान में जितने भी सारी कंपनियां हैं, इस सभी कंपनी में ये समस्या आ रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यहाँ के युवाओं को हम
स्किल देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ के युवा को रोजगार मिल जाएगा। बिहार में कहाँ मिला शौचालय मिल रहा खाली बस और कुछ नहीं मिला को कहता शौचालय देने के लिए मिला 2 करोड़ रोजगार की बात क्या नाम है एक मिनट आराम से सब आदमी का सुनिए सबकी सुने तब उसके पास पहुंचे बोला जाए तो आप बता अच्छा आपको बोलना था ये बोल रहे हैं ना तो बताइए नाम बताइए आपका संजय कुमार है संजय जी अच्छा आप ही के नाम के कैंडिडेट भी हैं ठीक तो संजय जी क्या मतलब क्या लग रहा है इस बार मोदी जी या राहुल गांधी जी ये हमने मोदी जी को जान रहे हैं राहुल जी को जान रहे हैं हम सिर्फ खगड़िया को जान रहे हैं खगड़िया लोकसभा का इस बार सौभाग्य है कि संजय कुमार कुशवाहा ऐसा कैंडिडेट मिला है और नहीं तो कम से कम जो है 30% जो है खगड़िया का जनता रोटा में वोट डालता नोटा में तो महबूब अली कैसर जी अच्छा काम नहीं किए क्या महबूब अली को टिकट नहीं मिला वो बात छोड़ दीजिए वो भी अपना काम बढ़िया किए हैं अभी हमको वर्तमान में देखना है कि जो अभी उम्मीदवार खड़ा है उसमें संजय कुशवाहा से बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं अच्छा संजय कुशवाहा का जी तो उनके समर्थन में जब आते हैं नीति ये तेजस्वी जी और ये सब रैली करने के लिए तो कुछ प्लान तो बताते होंगे ना कि हम आएंगे तो ये करेंगे क्या प्लान है देखिए वो तो ढाक के 3 पात है अभी तो चुनाव का समय है प्लान सब बना रहा है सब जवाब सब दिखा रहा है लेकिन वो सब कुछ होने जाने को नहीं है हमको खगड़िया का सांसद संजय कुमार कुशवाहा चाहिए ईमानदार आदमी है जमीन का आदमी है लड़ने वाला आदमी है जुझारू लड़का है इसीलिए हम लोग संजय को वोट देंगे खगड़िया का जनता संजय को वोट देगा मैक्सिमम वोट जब मैदान में 2 आदमी 4 आदमी है तो जीतेगा एक ही लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं राजेश वर्मा जी को लेकर क्या शिकायत आप कोई शिकायत नहीं है राजेश वर्मा जी से उनसे बढ़िया ये कैंडिडेट है ये जानते हैं हम अच्छा आप कह रहे हैं 2 में बेहतर विकल्प यही जी चलिए बढ़िया अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे थे मैं कुछ ना बोल लिए अच्छा कब बोले पता ही नहीं चला क्या है दोस्त क्या नाम है रविश कुमार बढ़िया क्या करते हो दोस्त अभी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं डाबर इंडिया लिमिटेड में अच्छा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं डाबर इंडिया में क्या रोल है वहाँ पे वहाँ पर RSP है हम RSP है वहाँ पे RSP क्या काम करना रहता है इसमें सेल्स का काम है अच्छा सेल्स का काम है डाबर का तो फिर पूरे खगड़िया शहर की दूसरा जिला भी जाते हो नहीं हम लोग का है ये बेगूसराय पूरा टाउन है अच्छा तुम बेगूसराय में काम करते हो और हो खगड़िया के जी तो आज क्या अच्छा दिन में काम करते हो शाम में खगड़िया लौट आते हो जी जी अच्छा क्या है हाल चुनाव में क्या लग रहा है किसका निकल रहा है देखिए यहाँ पे तो हम लोग जो हैं वो राजेश वर्मा को नहीं जानते लेकिन ऊपर मोदी जी का काम और स्किल देखे हुए हैं अरे इलेक्शन होने दीजिए सब पता चल जाएगा क्या बोल रहे थे हम लोग राजेश वर्मा को नहीं जानते पर्सनली और ना ही हम संजय कुशवाहा को जानते हैं माने खगड़िया के लेकिन जानते हम किसी को नहीं लेकिन ऊपर में मोदी जी का काम और उनका सारा चीज देख रहे हैं कि मतलब कि इकोनॉमी को कहां से कहां लेके गए हैं और यहां पे हाईवे तो आप लोग को मालूम है मतलब हाईवे बहुत खराब हालत में है यार NH-31 NH-31 का काम चल रहा है आप देख सकते हैं इससे भी बुरा स्थिति था आज से 5 साल पहले अगर किसी को पूछिएगा तो इससे भी बहुत गंदा स्थिति था यहाँ से बेगूसराय जाने में आदमी को 2 घंटा लगता था दूर की बात है इनसे ये पूछिए ये जो हमारे बाजार की जो नाक जो सड़क है ये कितनों साल के बाद ये देखे हैं रोड बन रहा है इन्हीं इस सड़क के बारे में आप बताइए मैं ये मेन नाक जो आपका रोड है ये मेन खगड़िया का मेन नाक है चौराहा अरे सुनिए ना ये जो है ना रेलवे और नगर पालिका के बीच में का फंसा हुआ है इस पे बात दोनों तरफ तो NDA की सरकार थी फिर इसको समस्या को क्यों नहीं सॉल्व किया गया
दोनों तरफ तो इधर से आया एनडीए सरकार, यहाँ पर बिहार में स्थिर रहता ही नहीं है। अच्छा 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 दोस्तों मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट बोल रहा है, बात कर रहे बात। अच्छा अरे रुक के पहले इनका जवाब देने, आप जो बोल रहे हैं रोड के बारे में, रोड का जो उस साइड है वो रेलवे का, और जो साइड वाला और जो ये साइड है नगर पालिका, इस दोनों के में मैटर फंसा हुआ था जिस समय एनडीए की सरकार, तो उस समय क्यों नहीं सॉल्व किया गया हमको वो बताइए। सबको अपने सबको अपने अपने चीज का फिक्र है, खगड़िया के विकास का किसी को फिक्र नहीं है। अभी जो ये नया नया पुल जो बना अभी जो है, इसको जो सामने राजधानी चौक पर जो गिराया, जो कि गिरना नहीं चाहिए, इतना लोग को प्रॉब्लम होता है, गाड़ी घोड़ा बाजार दुकान वाले कितना प्रॉब्लम होता है, ये पुल का जो गिराने का है वो यहाँ आना चाहिए रोड तक, ये वहाँ गिरा कर इतना समस्या हल किया है। एक चीज कोई भी चीज अपनी अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे कहने के मतलब है खगड़िया के विकास के बारे में सोचिए ना, कितना दिक्कत होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा ये चीज समझने को, पूरा बाजार इतने अभी पूरा बाजार जाम हो रहा है, अभी छोटा मोटा दुकानदार को दिक्कत होता है, बड़े दुकानदार मौज करता है, और उसके बाद ये रोड जो गया वहाँ तक यहाँ तक कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, हर चीज का समस्या उसको करना चाहिए, कोई भी चीज का हल होना चाहिए। मोदी जी बैठ के सही मतलब नहीं कर रहे, नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। आप सड़क की बात कर रहे थे कि जो जो परियोजनाएं हैं उससे दिक्कत आपको हो रही है? हमको नहीं, पूरा खगड़िया के नागरिक की दिक्कत है, बाईपास भी बनाने की भी दिक्कत था, लेकिन कितना समस्या से हम लोग झूल रहे खगड़िया के नागरिक, लेकिन अभी तक विकास भी नहीं हो पा रहा। आप नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात बोल रहे थे, किसके लिए कह रहे थे? हम ओपन क्यों करेंगे, आप समझदारी चीज को समझिए, हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि हम मुसलमान हैं तो अब हमारे आप कमेंट कीजिए दूसरे मैटर लेकर के, मेरा जो सर बात है मैं आपको बात रख रहा हूँ, मैंने ये हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं, ऐसा किन्हीं को लगता होगा कि सर पे टोपी रख करके ऐसा विपक्षी बात कर रहा, मैं पक्ष में क्या ही बात कर रहा हूँ, जो हक का बात वो कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब रोड में देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से पूरा बाईपास के रोड का भी विकास अभी तक नहीं हो पा रहा, बताइए किस तरह से हम लोग काम बन गया, क्या क्या एक मिनट काम विकास बन गया, एक मिनट आना दो, आने दो ना, क्या नाम है, क्या तुमसे बहुत बड़ा है, क्यों नहीं बात, 60 वर्ष उम्र हो गया क्यों नहीं बोलेंगे भाई? चचा जी, चचा जी, चचा जी। क्या नाम, क्या नाम हुआ? एक मिनट क्या नाम हुआ तुम? अक्षय सूरी, भाजपा नगर अध्यक्ष, नगर पार्षद प्रतिनिधि। आप बोलिए कि प्रवक्ता है पार्टी के अभी? नहीं नहीं, नगर अध्यक्ष है, नगर पार्षद है। अरे इस चुनावी चर्चा में आप प्रवक्ते ना बनेंगे? जी प्रवक्ता बनने के लिए तैयार है। ये लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, आप बहुत लेट आए हैं, इन्होंने कहा कि सड़क की प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं हुआ है ना विकास के नाम पर, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं बना है जिसके लिए घमंड हो, एडमिशन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, महंगाई है, क्या कहिएगा? देखिए खगड़िया की सड़क आप देखिए, गांव-गांव जाके देख लीजिए, और ये बकरी बस स्टैंड से राजेंद्र चौक की जो सड़क है ना, इसमें कुछ अड़चने हैं, राजनीतिक बिंदु है जिसके कारण खगड़िया की बकरी बस, किस चीज का बिंदु है? अरे पूरा सुनिए तो, आप अपनी बात बोले, हम अपने सुनिए, पहले सुनने का बात पहले रखिए, पूरा बात पहले सुने हैं, चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, विदेश का है, विदेश पहचानते हैं तुम, पहचानते हो आप, पहचाने क्या, अरे 1000 बोले कर ले, अरे हम सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं हजार बार हम कर रहे हैं, अरे सुनिए, आप सुनिए ना, सुनने में पैसा लग रहा है आपको, तो फिर नहीं कर रहे हैं, कर लीजिएगा, करेंगे करेंगे।